नगर निकाय चुनाव की तारीख जैसे तैसे नजदीक आ रही है। प्रत्याशियों के बीच सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है। प्रत्याशी लगातार जनता के बीच जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान करने में लगे हैं और अपनी तरफ आकर्षित करने में वोटरों को जुटे हैं। इसी कड़ी में सभापति उम्मीदवार रत्नेश शराफ उर्फ बबलू शराफ ने वार्ड संख्या 4 और 6 की जनता के बीच जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 2500 वार्ड के जनता को प्रणाम है और मैं अब की बार, पिछले बार मैं उपसभापति था, अभी मैं सभापति पद का प्रत्याशी हूं और सबसे मेरा अपील है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मत देकर विजयी बनाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जहां जहां अधूरा छूटा हुआ काम है, उस काम को पूरा करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और जहां जहां जैसे यहां के बस्ती का लोग जो है रेलवे के जमीन पर बसा हुआ है, हम लोग कोशिश करेंगे कि रेलवे से NOC लेकर इन लोगों को, अत्यंत निर्धन लोग हैं इन लोग को, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो चल रहा है उसके द्वारा लाभान्वित करवाएं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इन सब लोगों का शौचालय का निर्माण करवाएं और इन लोगों के रहन सहन को एक बेहतर दिशा दें कि जिससे ये लोग भी समाज के मुख्य धारा में जुड़कर रह सके। क्या नाम है? रत्नेश कुमार, निवर्तमान उपसभापति, नगर परिषद नरकटिया।